Good morning friend, welcome to पांडे वर्ल्ड वाइड। पांडे वर्ल्ड वाइड चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत है। और आज क्रिसमस का मौसम था, क्रिसमस का दिन था, हॉलीडेज था। मैं पहुंच चुका है मेक्सिको की एक प्राइवेट रिसोर्ट में और इस रिसोर्ट के कुछ सीन सीनरी आपको दिखाने वाले हो। आप देखिए एंड एंजॉय कीजिए। यहाँ पे देखिए रिसोर्ट के अंदर एक गार्डन जैसा है जहाँ पे बाढ़ रहने के इंतजाम है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर सी बाढ़ यहाँ पे है और पब्लिक उस पार्ट्स का फोटो खींच रहे, देख रहे। ये देखिए अच्छा से देखिए। और इस पार्ट्स का नाम अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस पार्ट्स का नाम मुझे भी मालूम नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। अगर आप लाइक करते या कमेंट करते तो हमें मोटिवेशन मिलते और भी नए नए अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाने का। और आप ये देख सकते बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट और यहाँ पे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के साइड में लेटने के लिए जगह है। पब्लिक यहाँ पे स्विमिंग पूल में नहा रहे, ड्रिंक्स कर रहे, बार है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, इंजॉय कर रहे, स्विमिंग पूल में नहा रहे, गाने चल रहे, गाने में डांस कर रहे और यहाँ पे रिलैक्स भी कर रहे, क्योंकि आज क्रिसमस है और पब्लिक ने बहुत इंजॉय कर रहे। आप देख सकते बच्चे से लेकर बड़े तक सब ने कितने मज़े कर रहे, कितने इंजॉय कर रहे और हम भी इस इंजॉय में शामिल हो गए। आप देख सकते देखिए छोटे छोटे बच्चे पानी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई रेत लेके खेल रहे और बहुत ही पब्लिक आ चुके हैं, क्योंकि ये प्राइवेट रिसोर्ट है। यहाँ पे बहुत लोग आ चुके हैं। आप देखिए ये कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में फाउंटेन जैसा है और कितना एकदम नीला पानी, मज़ा आ गया सच में, बहुत ज़बरदस्त लगा। और बगल में ही समंदर है और बहुत सारे बड़े बड़े क्रूज शिप खड़े हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं। और प्लीज़ मत भूलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए। और हमारा चैनल का नाम है पांडे वर्ल्ड वाइड। ये देखिए कितने अच्छा नज़ारा। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स है, बहुत सारे बाढ़ रहने के इंतजाम है, सुंदर सुंदर सा इंटीरियर डेकोरेट है। यहाँ पे देखिए ये कितने अच्छे से मगरमच्छ बना हुआ है। ये देखिए और ये थोड़ा सा विलेज जैसा रिसोर्ट है, क्योंकि मेक्सिको का जो पुराना ट्रेडिशन है उसी हिसाब से ये अब आके पहुंच चुके हैं फिश स्पा में। अब देखिए यहाँ पे फिश स्पा, लोगों ने स्पा का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मच्छी है जिससे स्पा देते हैं। हम क्लोज से आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कितने सारे मच्छी है, इसके अंदर पैर घुसा कर बैठने का, मच्छी ने आपका पैर में स्पा देगा। ये देखिए बहुत सारा शॉप से, ट्रेडिशनल शॉप से, जहाँ पे कैप मिलते हैं, टी शर्ट मिलते हैं, बिकनीज मिलते हैं, स्विमिंग ड्रेसेस मिलते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट, अलग अलग बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है। ये देखिए यहाँ पे अब कितना सुंदर सा प्यारा सा समुंदर के नीचे जैसा डेकोरेशन है, इंटीरियर है, देखिए कितने सुंदर लग रहे देखने को। और सब पब्लिक अपने मन में मज़ा ले रहे, फेस्टिवल के मज़ा उठा रहे। आपका क्रिसमस कैसा काटा, कैसे बीता, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। और अभी हम पहुंच चुके हैं मेन जगह जहाँ पे डॉल्फिन राइडिंग होते हैं, जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था। ये देखिए डॉल्फिन डांस कर रहे और डॉल्फिन राइडिंग चल रहे, यही तो सबसे देखने वाला चीज़ है डॉल्फिन राइडिंग। ये देखिए सब लोग लाइफ जैकेट के साथ उतर चुके हैं पानी में, डॉल्फिन का मज़ा ले रहे, डॉल्फिन देखने के लिए डॉल्फिन डांस कर रहे हैं। और पीछे आप बड़े समुंदर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए इसका पीछे जो जगह है वहाँ पे मसाज सेंटर है। ये देखिए वो जो स्विमिंग पूल दिखा रहे थे वो एक साइड सा, ये एक साइड है। कितना बड़ा, कितना लंबा एरिया लेके स्विमिंग पूल है और सब पब्लिक ने भीड़ लगा के डॉल्फिन देख रहे, डॉल्फिन राइडिंग, डॉल्फिन का डांस, डॉल्फिन का जंप सब देख रहे। ये देखिए और पीछे आप देख सकते हैं समुंदर और बड़े बड़े से क्रूज खड़ा है, चार पांच क्रूज खड़ा है। देखिए कितने बड़े बड़े, रॉयल कैरेबियन, प्रिंसेस,
अजमारा, सेलिब्रिटी, बहुत सारे क्रूजर्स खड़ा है पीछे। और आप प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए तो बोलिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज बताइए। और एक जरूरी बात है, मैं अभी एवरी वीक 1 टाइम्स या 2 टाइम्स लाइव आने वाला हूँ, तो आपको अगर पसंद है तो लाइव में ज्वाइन कर सकता है। और ये देखिए जो आ रहे, ये पीछे मसाज सेंटर है, स्पा सेंटर है, इसलिए उसका क्लोज का पिक्चर नहीं ले सकते क्योंकि मसाज सेंटर है, दूर से ही दिखा रहा है। उसका अंदर का पिक्चर डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि मैसेज चल रहा है अंदर, इसके अंदर मसाज सेंटर है, देख सकते पूरा विलेज जैसा बना हुआ है तो रिसर्ट, लेकिन एक छोटा मोटा विलेज से कम नहीं है, लगेगा एक छोटा मोटा विलेज है। और देख सकिए सब मसाज सेंटर है, अंदर में अलग अलग तरह के मैसेज चलते हैं, इसलिए उसका क्लोज फोटो ले नहीं सकते, बाहर से ही आपको दिखा रहे। अब देखिए बहुत पीसफुल जगह है, पब्लिक इंजॉय कर रहे, प्राइवेट जगह है, आप आके इंजॉय कर सकते, देख सकते। और तो बोला था ना आपको क्रिसमस है, ये देखिए क्रिसमस ट्री, कितना प्यारा सा क्रिसमस ट्री है। और देखिए पब्लिक कितने रिलैक्स कर रहे, ड्रिंक्स कर रहे, मजे ले रहे, छुट्टी का सो रहे, एकदम मजे से पब्लिक है, बहुत इंजॉय कर रहे पब्लिक। आप भी इंजॉय करना चाहे तो आ सकते, कर सकते। ये मेक्सिको का एक प्राइवेट आइलैंड का प्राइवेट रिसॉर्ट है, देखिए बच्चे लोग नारियल पानी पी रहे। यहाँ पे काफी शॉप्स भी है जहाँ पे डायमंड ज्वेलरीज, क्लॉथिंग, गोल्ड ज्वेलरी, ये देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप है इसके अंदर से, वो भी आप खरीद सकते हैं सुंदर सुंदर से। तो उस दुकान के तरफ मैं गए नहीं, मैं बाहर से ही निकल रहे, ज्वेलरी से, ऑर्नामेंट से, कॉस्मेटिक्स से। और यहाँ पे कुछ पुराने ट्रेडिशन है, जो यहाँ पे एक शो जैसे चल रहे है, वो पब्लिक देख रहे मजे लेके, तो हम उसके तरफ नहीं गए, साइड से निकल रहे हैं हम बाहर के तरफ। धीरे धीरे मैं रिसोर्ट से बाहर आ रहे, आपको थोड़ा बाहर का नजारा दिखाने के लिए, वही आप देखेंगे। और एवरी वीक हमारे नए नए वीडियो आते रहते हैं, तब चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलते हैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। और अभी हम पहुंचने वाला है वाइन शॉप में, ये वाइन शॉप है, वाइन शॉप के अंदर से हम घुसेंगे बाहर की तरफ जाएंगे। देखिए वाइन शॉप एंड टोबाको शॉप, अलग अलग तरह के टोबाको मिलते हैं, वाइन्स मिलते हैं यहाँ पे, ड्रिंक्स मिलते हैं। और बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और देखिए यहाँ पे अभी अभी आपको जो देखने को मिलेंगे वो है मेक्सिकन आदमी लोग, पुराने जमाने में जिस टाइप का कॉस्ट्यूम पहनते थे, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, उसके ऊपर आपको देखने के, देखिए मेक्सिकन लोग के पुराने कॉस्ट्यूम्स के साथ है। और अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं हम, समंदर के साइड से जो शिप्स खड़ा है, क्रूजिंग खड़ा है, क्रूज खड़ा है, उनके तरफ चलेंगे। पब्लिक क्रूजिंग करने आते हैं, बड़े बड़े क्रूज में करके, क्रूज शिप में करके, ये देखिए लोग फोटो खींच रहे, घूम रहे, कितने एंजॉय कर रहे, वैकेशन का पूरा मजा उठा रहे फेस्टिवल का। और वही मैं आपको दिखाने जा रहे, ये देखिए बड़े बड़े से शिप खड़े, कितने प्यारा सा खूबसूरत सा। अरे ये आसमान देखिए, नीले आसमान।